Hello friends, welcome to ACME Commerce classes. Myself is Dipti Joshi. Today we are going to start with the law of demand. Friends, हमने पहले ही law of demand के मैंने video upload कर दिए, जहाँ पर हम लोग ने देखा था what is demand, फिर हमने demand का जो statement है, law of demand है, वो भी देखा था with the particular statement of law. फिर हमने schedule और diagram भी देखा था. तो आज हम question number 6 जो आपके HSC बोर्ड एग्जाम में आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछते हैं फॉर योर 8 मार्क्स, 8 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है. तो आज हम यही क्वेश्चन को रिपीट करके वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. राइट, लॉ ऑफ डिमांड जो है कोई अजम्पशंस पे डिपेंड है, तो आज हमें वो आंसर करना है. लेकिन उसके साथ वी विल जस्ट टेक अप द रिविजन ऑफ जो हमने आगे की वीडियो में अपलोड किया था. तो जब आप लॉ ऑफ डिमांड लिखोगे तो बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन लिखना रहता है. नाउ व्हाट इज इंट्रोडक्शन, आप लिखोगे दैट लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, अल्फ्रेड मार्शल, वो हमें पता है. एंड उसने जो बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस बुक ही हैज रिटन एंड इट वाज बीइंग रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल. एंड व्हाट इट वाज रिटन, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड लिखा है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक में, दैट यू हैव टू राइट. सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ लॉ. स्टेटमेंट ऑफ लॉ में क्या आएगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब सेम, क्या सेम होना चाहिए, तो वही हमारा अजम्पशन है. तो ये अजम्पशन पे ही हमारा पूरा आंसर डिपेंड है. तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जैसे आपकी इनकम है, टेस्ट है, हैबिट, प्रेफरेंस, देन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सप्लीमेंट्री गुड्स, नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड, सॉरी, तो व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, जैसे टी और कॉफी. जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, आप बताओगे या पूछोगे भाई आप क्या प्रेफर करोगे, टी या कॉफी, तो आइदर ऑफ इट दे विल टेक. सो सब्स्टिट्यूट्स के भी प्राइस चेंज होते हैं तो आपकी डिमांड चेंज होती है. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मीनिंग कार एंड पेट्रोल. अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे तो आपकी कार की डिमांड भी अफेक्ट हो जाएगी. सो जब हम लॉ ऑफ डिमांड करते हैं तो व्हाट इट इज टू बी सेड कि अदर थिंग्स विल रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, मतलब आपके जो जो भी अदर फैक्टर्स है, इनकम है, आपके टेस्ट है, प्रेफरेंस है, हैबिट्स है, दैट ऑल हैज टू बी रिमेन सेम कॉन्स्टेंट. एंड देन ओनली वी कैन से व्हेन द प्राइस आर राइजिंग. आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी लिख के दिया था, व्हेन हायर द प्राइस योर डिमांड इज लोअर, एंड व्हेन प्राइस इज लोअर डिमांड इज हाई. राइट, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड. देन you are going to explain the law. Explanation meaning it is assumed that other things are remaining constant, and when your price of the commodity are rising, what the people will do, they will demand less. And jab aapki price badhte to hum obviously kam demand karte hain, everybody has the same mentality. And jab price are falling to what karein, what we will do, hum log zyada demand karenge. So price are falling, demand is rising. Same line we can write it down symbolically. Symbolically meaning that is a one kind of equation hai ki demand of x commodity is a function of price of x commodity. Matlab kya, aapki demand badalti hai ya change hoti hai, that depend upon what, price of commodity. And uske liye humne ye statement of law or explanation of law likha hai. Friends, board exam mein ye introduction ke liye aapka 1 mark rehta hai, स्टेटमेंट ऑफ लॉ के लिए आपके 2 मार्क्स रहते हैं, देन शेड्यूल और डायग्राम के लिए भी आपके 2 मार्क्स रहते हैं. राइट, सो नाउ सिंबॉलिकली के बाद हम क्या लिखेंगे, शेड्यूल एंड डायग्राम. नाउ व्हाट इज द शेड्यूल, यू आर टेकिंग वन द अजम्पशन. राइट, वो हमारा खुद का एक अजम्पशन रहेगा कि आप एक शेड्यूल बनाओगे जहां पर आप एक अमाउंट लिखोगे, जैसे प्राइस लिखोगे कितनी, 10 रुपीज अगर प्राइस है तो आप डिमांड 5 केजी करोगे क्योंकि लेस प्राइस है. बट जैसे जैसे आपकी प्राइस इंक्रीज होती है, राइट, राइजिंग होती है, तो व्हेन द प्राइस इज राइजिंग टू 20 रुपीज आप कितना डिमांड करोगे, 4 केजी. व्हेन प्राइस इज राइजिंग टू 30 रुपीज, राइट, देखो आपने लिखा है 30, यू विल डिमांड 3 केजी. जैसे ही प्राइस और फॉल हो रहा है आप 2 केजी करोगे, और जैसे 10 रुपीज हो गया तो आपने कर दिया 1 केजी. राइट, सो एज योर डिमांड इज राइजिंग, राइट, जैसे 40 हो गया तो आप 2 केजी करोगे, 50 हो गया तो आप 1 केजी करोगे. आई रिपीट अगेन,
जब आपकी प्राइस 10 रुपीज है तो आप 5 kg करोगे, जैसे प्राइस राइज होता है तो आप 4 kg करोगे, जैसे ही प्राइस 30 रुपीज है तो आप 3 kg करोगे, प्राइस और बढ़ रही है 40 रुपीज 50 रुपीज आपकी डिमांड कम हो जाएगी। सेम पार्ट हमें कहां पर दिखाना है, डायग्राम में दिखाना है। सो व्हेन 10 रुपीज इज अ प्राइस यू आर डिमांडिंग 5, व्हेन 20 रुपीज इज देयर आप देखोगे यहाँ पर आई एम डूइंग लाइक दिस वे 40, 30 है तो आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 40 है तो आप डिमांड करोगे 2 एंड 50 है तो आप डिमांड करोगे 5, राइट। इफ यू विल नॉट डू ऑल दिस थिंग यू कैन जस्ट शो लाइक दिस वे, आप डायरेक्टली डिमांड कर्व को एक स्लोपिंग लाइन में बता दोगे विच इज शोइंग इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। नाउ व्हाट इज इनवर्स रिलेशन, वो भी हमारी बात हो गई, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। दिस इज कॉल्ड योर इनवर्स रिलेशन। सो योर प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड शोज इनवर्स रिलेशन और आपका स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फ्रेंड्स ये जो भी बता रही हूँ दे कैन आस्क यू एज अ ऑब्जेक्टिव इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर योर चूज द करेक्ट ऑप्शन में आ सकता है या नेम द फॉलोइंग में इकोनॉमिक टर्म्स में कहीं पर भी आ सकता है। तो आपको लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस इज मेजर ऑन वाई एक्सिस एंड योर डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शोइंग अ नेगेटिव कर्व, ठीक है, और इनवर्स रिलेशन लिखना है। इसके बाद हमारा आंसर आएगा अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज अजम्पशन, आप कोई भी चीज अज्यूम करके काम करते हो, राइट। तो यहां पर हमने क्या अजम्पशन किया है कि आपके जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डिपेंड होगा कि आपकी हर एक चीज कॉन्स्टेंट है, लिविंग योर प्राइस, आपकी प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं है, एक प्राइस वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब वो चेंज हो रहे है। देखो यहाँ पर हमने प्राइस वेरिएबल बताया जो चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट क्या हो रहा है, योर कांस्टेंट हो रहा है आपकी इनकम, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम मतलब व्हाट, इफ द कंज्यूमर इनकम इज राइजिंग, है ना, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली विल नॉट वेट फॉर टू फॉल इन प्राइस, है ना। अगर आपको कोई लेवाइज का जींस लेना है एंड लेवाइज जींस आपको पता चले कि भाई 5000 का बट इट इज अ वेरी गुड एज पर योर चॉइस एंड यू आर अर्निंग 1 lakh rupees अ मंथ, ऑब्वियसली आप ले लोगे, यू विल नॉट वेट फॉर द फॉल इन डिमांड ऑफ प्राइस। बट अगर आपकी इनकम महीने की 20,000 है और आपको लेवाइस का जींस लेना है, यू विल थिंक ट्वाइस कि भाई 20,000 की इनकम में 5,000 का जींस कहां से, तो यू विल थिंक कि भाई यहां पर कोई अमेजोन वाला डिस्काउंट आ जाए 70-80% और जींस की प्राइस कम हो जाएगी तो वी कैन टेक इट। सो इट इज अज्यूम कि आपकी इनकम 20,000 है और आप वो डिस्काउंट ऑफर करो या आपके जो प्राइस कम हो रहे इसकी आप वो डिमांड कर रहे हो, सो इट इज अज्यूम दैट द लेवल ऑफ इनकम कॉन्स्टेंट है, फिर ही आप जाओगे लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, मीनिंग वॉट, अगर आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हायर द पॉपुलेशन होगा तो आपकी डिमांड भी ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या अजम्पशन करना है कि आपका पॉपुलेशन इज रिमेनिंग सेम सो देयर विल बी नो चेंज इन द डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज। नाउ व्हाट इज सब्स्टिट्यूट्स, मैंने अभी बताया था, सब्स्टिट्यूट्स मीनिंग योर टी एंड कॉफी, राइट, दैट इज योर सब्स्टिट्यूट्स। मतलब अगर आपको टी की प्राइस, सपोज इफ आई से द प्राइस ऑफ टी इज राइजिंग, वॉट पीपल विल डू, दे विल डिमांड कॉफी, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी, राइट। सो इट इज अज्यूम के जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी भी प्राइस नहीं चेंज होगी, अदरवाइज क्या होगा कि पीपल विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, दे विल गो फॉर द कॉफी टू हैव इट। तो इट इज अज्यूम के सब्स्टिट्यूट की भी हम प्राइस अनचेंज रखेंगे तो ही पीवील से के प्राइस आर फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स शुड रिमेन अनचेंज। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री के लिए भी मैंने अभी बताया था, से कार एंड पेट्रोल, तभी पेट्रोल के जैसे प्राइस बढ़ रहे, आपके पेट्रोल के प्राइस मार्केट में सपोज 106 रुपीज है या 110 है, 110 से हो गए सपोज 120 रुपीज आफ्टर वन ईयर, तो क्या होगा, कार के डिमांड में अफेक्ट ही होने वाला है, राइट। सो इट इज अज्यूम के आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उसकी भी जो प्राइस है रिमेन अनचेंज, इन दैट केस यू कैन फॉलो द सेम लॉ ऑफ डिमांड। नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस एंड फैशन। फ्रेंड्स आईपीएल चल रहा है, राइट, यू माइट बी सपोर्टिंग टू मुंबई टीम या यू माइट बी सपोर्टिंग टू से कोहली की टीम या धोनी की टीम, तो यू माइट बी वेयरिंग दैट टी शर्ट, राइट, आप वो उसको चेयर अप करने के लिए उनके टी शर्ट वो सब यूज करते हो या वो पहनते हो व्हेन यू द मैच इज गोइंग ऑन, और प्राइस ऑफ दैट टी शर्ट मार्केट में इज ऑफ 1000 रुपीज,
नाउ सपोज IPLS got complete और उसके बाद आपको कोई बताएगा कि भाई 1000 रुपए का टी शर्ट आप 400 रुपए में ले जाओ, यू विल से भाई अभी क्या फायदा, IPLS ओवर। सो इन दैट केस आपके टेस्ट हैबिट फैशन सब कुछ चेंज हो गया। इन दैट केस इवन इफ द प्राइस आर फॉलिंग तो आप वो डिमांड नहीं करोगे। आप कब डिमांड करते हो, व्हेन योर टेस्ट हैबिट फैशन इज गोइंग ऑन। तो आपको अजम्पशन क्या करना है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस एंड फैशन, तो ही हम ये लॉ अज्यूम करके फॉलो कर सकते कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो गई तो क्या होगा, यू आर गोइंग टू पे द मोर मनी टू द टैक्स पर्सन, राइट, मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज को हम ज्यादा टैक्स पे करेंगे। इन दैट केस वी विल नॉट बी एबल टू गेट द एडवांटेज ऑफ फॉल इन प्राइस। हमें फॉल इन प्राइस का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसे भी जा रहे हैं। सो इट इज अज्यूम कि गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी जो फिजिकल पॉलिसी है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, एंड दैट इज वाई वी कैन फॉलो द स्टेटमेंट ऑफ लॉ, दैट इज अ लॉ ऑफ डिमांड, राइट फ्रेंड्स। आपको ये सारे पॉइंट्स डिटेल में लिखने, व्हेन द क्वेश्चन कम्स एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन, और उसके साथ आपको जो एक्सेप्शन रहता है वो एक्सेप्शन भी लिखना है, बट द एक्सेप्शन ऑफ लॉ का जो पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू कवर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो कीप इन टच और आप हमेशा सब्सक्राइब करते रहना। द नेक्स्ट वीडियोज में भी आई एम गोइंग टू कम विद द क्वेश्चन नंबर 6, जो भी बोर्ड एग्जाम में टेंटेटिवली पूछते जितने भी लेसन है वो सारे लॉज के हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में भी करने वाले। तो यू बी इन टच, सब्सक्राइब करते रहना। थैंक्स।